नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति मानव के जीवन में हो जाती है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको बीमारी हो या किसी भूत प्रेत टोना टोटका या कोई दोष हो गया हो या यहाँ तक कि ग्रह बाधा भी यदि हो गई हो तो आदमी परेशान हो जाता है। तो साथियों, उसके लिए मैं एक बहुत विचित्र टोटका लेकर के आया हूँ और यह टोटका बहुत प्रभावी है। इसको बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से आप कीजिए तो अगर वह व्यक्ति रोग से परेशान होगा या दोष से परेशान होगा तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि यदि शरीर सुखी होता है तो व्यक्ति सुखी होता है और व्यक्ति का परिवार भी सुखी होता है। हमारी इच्छा है कि हम सबको सुख पहुँचाए, हमारे द्वारा सबको लाभ मिले। साथ को मैं यह एक ऐसा विचित्र टोटका आपको बता रहा हूँ, इसको आप करिए। इससे जो भी व्यक्ति चाहे जितने दिन से बीमार हो, चाहे जितने दिन से भूत प्रेत या ऊपरी अलाबला से परेशान होगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए साधको आपको जो है मिट्टी के सात करवे लाना है। करवे मतलब कि जो मिट्टी की हांडी होती है वो सात हांडी लानी है आपको और सात ढक्कन लाने हैं और सात प्रकार के रेशम। सात प्रकार के रेशम का मतलब कि सात रंग के आपको रेशम लाने हैं और उस रेशम के ऊपर जो है सिंदूर लगाना है। असली सिंदूर होना चाहिए। सिंदूर ये जो बाज़ार में बिकता है ये सब लोग आरारोट का सिंदूर लाते हैं, असली सिंदूर होना चाहिए। और उस सिंदूर को जब आप सातों रेशम पर लगा देंगे तो फिर सातों करवों को, जो सात करवा वो लाए हैं आप हांडी, उनको आप क्रमशः लाल, पीला, हरा, काला, गुलाबी, भूरा और सफ़ेद रंग से एक एक रंग का एक एक कहवा रंगे, मैंने सातों रंग, सातों कहों को सातों रंग में रंगना है। फिर वो जो आप रेशम का कपड़ा लाए हैं उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए, एक एक करके डाल दीजिए। जो जिस रंग से आपने कहवा रंगा है उस रंग का रेशम उसमें डाल दीजिए आप। फिर अगर कपूर, छाड़ छबीला, कपूर कचरी, इन सबको मिला करके सात पुड़िया बना लें, छोटी छोटी सी पुड़िया बना लें। फिर उन रंगे हुए करवों के ऊपर कड़वा तेल थोड़ा थोड़ा सा डाल दें और उनका मुंह ढक्कन से बंद कर दें। जो ये कड़वा तेल डालना है ये आपको हांडी के अंदर डालना है, फिर उनका मुंह ढक्कन से बंद कर दें। और वो जो सात पुड़िया आपने बनाई हैं, अगर कपूर छाड़ छबीला, कपूर कचरी, इन सबको मिलाकर जो आप सात पुड़िया बनाई हैं वो एक एक पुड़िया उस ढक्कन के ऊपर रख दें। और रखने के बाद में रोगी को उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुख करा के बैठा दीजिए। बैठाने के बाद में यदि नदी के तट पर आप पहुंच जाएं तो अति उत्तम है। वहां पर उसको बैठा करके और एक एक करवे को सात बार घुमा करके उस नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। सात बार एक एक करवे को, सातों करवों को सात बार घुमा करके उस नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और प्रवाहित करने के बाद दोबारा ना तो उसको ढेला मारिए ना छूइए, सीधा बगैर पीछे मुड़े किसी से बात की अपने घर चले आइए और घर में आकर के हाथ पैर धो करके अंदर आप अपने घर में प्रवेश करिए। ये एक बहुत विचित्र और बहुत ही खतरनाक टोटका है, इसको आप करिए तो इससे जो भी रोग दोष होगा, यहाँ तक कि अगर ग्रह बाधा भी होती है उसमें भी ये लाभ देता है साधको। साथ को इसको करिए, उसके बाद में फिर जैसा हो हमको बताइए। धन्यवाद।